है आपका मेरे नए चैनल में। तो आज की हमारी व्लॉगिंग है गाइस, ब्रेकफास्ट डे 3। आज की ब्रेकफास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि आज मैं क्या खाने वाला हूँ ब्रेकफास्ट में। जो भी मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ सबको सब डाइट से रिलेटेड है। और तरफ जब आप मूव करेंगे, इस फूड की तरफ जब आप जाएंगे तो आपका फ़ायदा ही होगा, आपका फैट लॉस ही होगा और फैट गेन नहीं होगा। इससे मैंने हर वीडियो में मैं आपको जैसे बताता हूँ कि वीडियो जो भी मैं बनाता हूँ सब अच्छी अच्छी फूड लेकर ही बनाता हूँ और यही फूड मैं डेली खाता हूँ। जो मैं खाता हूँ मैं आपको बताता हूँ, उस वजह से मैं स्लिम हुआ हूँ और आपको भी स्लिम करने के लिए मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ। आप भी ये चीज़ पे फॉलो करो, आपको ज़रूर 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 इसका इफेक्ट पड़ेगा। आइए मैं आपको ब्रेकफास्ट में बताता हूँ आज मैं क्या क्या लेने वाला हूँ। आइए ब्रेकफास्ट में लेने वाला हूँ ये मेरी प्यारी सी मशीन है। आपका गैस ना वेस्ट हो और मेरा भी वेस्ट ना हो, अगर आप भी ये मशीन मंगा लेंगे तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। ओके, कम कंज्यूम करता है ये, जो इसका जो वोल्टेज है ना वो कम लेता है। और इसमें अपना एग समझो ना एक 15 मिनट्स के अंदर ये रेडी हो जाता है। ओके, ये मेरे कितने एग्स है, 2, 2, 4, 2, 6 सिक्स एग है। इसमें से एक मैं मेरी अम्मी को दूंगा खाने के लिए फुल एग, उनकी भी हेल्थ का ख्याल रख के मैं अपने भी फूड खाता और उनको भी ज़रा ध्यान रख के उनको भी मैं अपने तरफ से जो हेल्थी फूड है मैं उनको खिलाता हूँ ताकि मेरी तरह वो भी हेल्दी रहे। ओके, तो ये फूड ये जो है मैं 5 ये अम्मी के लिए ये भी तोड़ के मैं उनको दूंगा। और उसके साथ में है ये देखिए, ये तो मेरे 5 एग्स है। उसके साथ अपना एक प्यारा सा ऑरेंज, ऑरेंज का साइज़ देखो, और एक 2 फुट और 3 फुट और है उसके अंदर, ये देखिए। आज के उसमें है 3 बनाना, आज के उसमें 3 बनाना, थोड़े से स्ट्रॉबेरी और थोड़े से ड्राई फ्रूट। मैंने सब लिमिटेड में ही खाना है, ओवर फूड नहीं खाना है, लिमिटेड ही खाना है ताकि आपकी बॉडी में सब कुछ बना रहे, जो भी मैंने इससे पहले वीडियो में आपको मैं बताया था। ओके, ब्रेकफास्ट डे 3 रेडी हो चुका है जैसे मैंने आपको बताया था। तो मल्टीविटामिन जो मैं डेली लेता हूँ ये हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा सा पानी, अभी स्टार्ट करता हूँ मेरी ब्रेकफास्ट टाइम ना वेस्ट करते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हर हमेशा आपको मैं यही बताता हूँ, वीक नहीं करेगा आपको ये, बीमार नहीं करेगा ये सब फूड। फायदे हैं हमारे, मेरे फायदे हैं, मेरे ऊपर हुआ है असर इसका। मैं अगर मुझे सर्दी भी हो जाती है, देखो मैं कोई एकदम स्पेशलिस्ट नहीं बनाऊँ, ये फूड खा रहा हूँ तो बीमार नहीं पड़ूँगा। जैसे मैं आपको बोलता हूँ मैं भी बीमार पड़ता हूँ, 3 या 4 घंटे के बाद फिर मैं नॉर्मल हो जाता हूँ। सर्दी मुझे भी होती है, अभी 2 दिन से मुझे बहुत जम के सर्दी थी, लेकिन ये जो है ना इस वजह से सर्दी मेरी हमेशा गायब हो जाती है। फिट रहने के लिए और ख़ास करके जो डाइट करता है उनके लिए मैं ये फूड बता रहा हूँ। ये जितने भी फूड मैं आपको बता रहा हूँ ना ये उनके लिए बता रहा हूँ जो डाइट से प्यार करते हैं, जो डाइट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। जिनके जितने जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके काफ़ी सवाल आ रहे हैं मेरे पे कि क्लियर डाइट बताओ, क्लीन डाइट बताओ। तो मैं आपको क्लीन डाइट बता रहा हूँ, क्लियर डाइट बता रहा हूँ, जो मैं खा रहा हूँ फ्रूट से ले रहा हूँ, जितने भी प्रोटीन है विटामिन है बनाना से ले रहा हूँ, ड्राई फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी है, वो लगे। कल मैंने लिया था एक फुल एग लिया था, अभी मैं 6 पूरे टोटल होल एग ही ले रहा हूँ। मैं फुल एग से जितना जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। मैं तो होल एग से थोड़ा दूर ही रहता हूँ, कभी कभार खाता हूँ। इतनी क्लीन जो डाइट मैं आपको बता रहा हूँ ये क्लीन डाइट ही आपको लेना है, जो डाइट करना चाहता है अपनी लाइफ में, जो स्लिम होना चाहता है, जो वेट लॉस करना चाहता है। कल मैंने ब्लैक पेपर मिला था, ब्लैक पेपर नहीं मिला हूँ क्योंकि वन डे में कभी सॉल्ट या कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ले लेता हूँ तो फिर नेक्स्ट डे मैं सॉल्ट का ज़रा भी यूज़ नहीं करता हूँ। अब दिन भर की जो फूड कंज्यूम करता हूँ मैं, सुबह से लेकर रात तक जो डाइट करता हूँ, नमक का जो काम मेरी बॉडी के अंदर होता है बहुत कम लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे स्लिम ही रहना है। एप्स आने के लिए मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ ना, जितना आप सॉल्ट से दूर रहेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको समझने में टाइम लगेगा। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके सवाल है कि क्लीन फूड बताओ जिससे और कम बजट में हो जाए काम, जिससे हम जल्द से जल्द हमारा वेट लॉस हो जाए।
तो वेट लॉस के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, ऐसे फूड खाना पड़ेगा ना, टेस्ट लेस से दूर रहना पड़ेगा ना, तभी होगा ना काम। बिना आप टेस्ट आपको चाहिए भी, फिर आप लेस खा नहीं सकते, लेस खाना ही पड़ेगा भाई, बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। और ये खाना अच्छा है ना, जितने मेरे सब्सक्राइबर है जिनके भी सवाल है, ये खाना अच्छा है ना, थोड़ी सी मेहनत है बस। शॉप पे जाके आपको लाना है केले, 10 के 5 केले आए, तो मैं 3 केला खा रहा हूँ, बाकी 2 केला मैं जैसा जैसा भूख लगी वैसा वैसा मैं खाते रहूँगा। ओके, और ये ऑरेंज ये देखिए 20 रुपीज़ का 4 आया है, देखिए साइज देखो कितना खूबसूरत, देखो मीठा जो बोलते हैं ना नेचुरल की बात अलग है, देखो कितना मीठा है, देखो ये सब ऑयल फूड से, ऑयल फूड अच्छा है, ये फूड अच्छा है, बताइए आप मेरे को, ये फूड अच्छा है ना, तो यही फूड ही खाओ आप, जैसा जैसा आप उतरेंगे वैसी वैसी मेरे को ये जितनी भी फूड बता रहा हूँ ये स्टार्ट है, स्टार्ट तो करो आप, स्टार्ट करेंगे तभी तो आपकी बॉडी में असर दिखाएगा। डॉक्टर के पास जाएंगे आप पैसा वेस्ट करेंगे, उससे अच्छा मैं आपको 100-120 में मैं आपको कम बजट में इतने अच्छे अच्छे फूड बता रहा हूँ मैं आपको, जिससे आपका फ़ायदा होगा। ओके, आपके सवाल का यही मेरे पास जवाब कि जो मैं फूड खा रहा हूँ वही भी फूड पे आप भी ध्यान दो। आप कुछ ही फ्रूट बाकी है मेरे पास, वो मैं आपको बताता हूँ, लास्ट स्ट्रॉबेरी बचा हुआ है, फाइनल हमारा है मल्टी विटामिन, डेली एक डोज, साइज देखो डेली एक डोज। फ्रूट के साथ तो प्रोटीन विटामिन मिलते हैं, अलग से भी हमें लेना पड़ता है, जो ये फ्रूट और जितने भी मैं फूड इंटेक करता हूँ उससे हमारे अंदर मल्टी विटामिन इतना पैदा नहीं होता है, उसके लिए हमको अलग से लेना ही पड़ता है। ये देखिए गाइस, आज की वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ, मिलेंगे आपको ऐसी बहुत सारी वीडियो में, जो मैं डाइट से रिलेटेड जितनी भी वीडियो मैं आपको बताऊँगा आगे भी जाके, और अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको बताऊँगा कम बजट में, जितना मेरे पास बजट में बताता हूँ उतनी बजट में आपको भी बताऊँगा। मैं नहीं बोलूँगा कोई एक्सपेंसिव फूड ले लो, कोई कोई एकदम अच्छा एकदम महंगा सा फ्रूट ले लो, कम बजट में मैं आपको जितनी भी डाइट बता रहा हूँ ये फ़ायदा ही है, मेरा भी फ़ायदा हो रहा है, होते ही जा रहा है मेरा फ़ायदा। ओके, तो गाइस आज की वीडियो में यहीं एंड करता हूँ, वीडियो अच्छी लगी तो गाइस लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट्स में लिखकर बताना इस वीडियो में और भी इससे अच्छी वीडियो मैं आपको कैसे आपके सामने लेकर आऊँ जिससे आपका फ़ायदा। ओके, टेक केयर, बाय।